नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां दलसिंहसराय एसडीपीओ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीएसपी संचालक से लूट की कोशिश मामले में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देशी पिस्टल, 7 मोबाइल फोन व 2 बाइक बरामद किया गया है, जिससे आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार बदमाशों ने भी इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। इस घटना को कारित करवाने में लाइनर की मुख्य भूमिका मोनू कुमार ने निभाया था। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव निवासी जालिम सहनी के 20 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार, करपुरी ग्राम थाना क्षेत्र के बाघी गांव निवासी अरविंद कुमार सिंह के 19 वर्षीय पुत्र राजा कुमार, बाघी गांव के ही रामाश्रय राह के 24 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार उर्फ गुजर, आधारपुर गांव निवासी सुरेश सिंह के 22 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार, आधारपुर गांव के ही प्रेमलाल सिंह के 20 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार उर्फ डेलीवरी तथा मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी नथुनीदास के पुत्र राजेश कुमार उर्फ केटीएम के रूप में की गई है। उक्त जानकारी एसडीपीओ दलसिंहसराय ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को दिया। मंगलवार 12 मार्च को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ दलसिंहसराय ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों 7 मार्च को थाना क्षेत्र के उजियारपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित सरयुग ट्रेडर्स के पास बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक उजियारपुर से संबंधित सीएसपी संचालक से उस समय लूट की घटना को अंजाम देना चाहा था, जिस समय वे बैंक से राशि की निकासी कर बाबूलाल चौक स्थित अपने ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी वाइंड पर जा रहे थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर थाने की पुलिस एक टीम का गठन कर बदमाशों की गिरफ्तारी करने में जुट गई थी। इसी क्रम में उजियारपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के NH 28 पर कुछ बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते उजियारपुर पुलिस ने एक टीम का गठन कर जब स्थान पर छापामारी किया तो उक्त स्थान से कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की गई तो उसने चकमेहसी थाना क्षेत्र में तथा वैनी ओपी क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किया तथा यह भी बताया कि विगत 7 मार्च को उन लोगों ने ही उजियारपुर में सीएसपी संचालक को लूटने का कोशिश किया था। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक व पिस्टल सहित मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। 11 तारीख को रात्रि लगभग 23 बजे कुछ मिनट पे हमें ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो हथियार लेकर के हाईवे पे लूटपाट की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। इस संबंध में एक टीम गठित करते हुए थाना प्रभारी द्वारा अलग अलग जगह पर रेड दिया किया गया। उस संबंध में देखा जाए तो कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें से 4 लोगों का नाम सामने आया। जब इन लोगों से पूछा गया तो पता चला कि कुछ और लोग भी हैं जिनके गिरोह में शामिल हैं, जिसमें से कुछ लोगों ने अपने बाइक का प्रयोग किया है, कुछ लोगों ने हथियार सप्लाई किया है और कुछ लोग लाइनर का भी काम किया है। जब पूरी तरह से इंट्रोगेशन किया गया तो ये बात सामने आई कि इन लोगों ने पूर्व में भी कुछ घटना को भी कारित कर रखा है, जैसे बैनी में भी इन लोगों ने घटना किया है जो कि CSP लूट का था। दूसरी बात है कि चकमैसी में भी इन लोगों ने घटना कारित किया है, जिसमें ई कंपनी था उसमें इन्होंने लूट कारित किया है। और फिर से देखा जाए तो उजियारपुर थाना केस नंबर 52/24 के अंतर्गत CSP संचालक से लूट का प्रयास किया गया जो कि असफल रहा है। इस संबंध में एक FIR किया गया और जो 11 तारीख को जो इन लोगों को पकड़ा गया उसमें देखा गया कि इनके पास से हमें कुछ सामान भी मिला है, जैसे एक पिस्टल मिला है। दूसरी बात है कि हमें इनके पास से वो कपड़े भी मिले हैं जो उन्होंने उस घटना के समय पहना था, एक ग्लैमर बाइक मिला है, साथ ही साथ इन लोगों का मोबाइल भी हमें प्राप्त हुआ है।